नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे जेंडर रीओरिएंटेशन सर्जरी के बारे में। जेंडर रीओरिएंटेशन का मतलब है कि अगर कोई मेल है वो बिलीव करते हैं कि उन्हें फीमेल जैसी फीलिंग आती है तो मेल से फीमेल कन्वर्ट हो सकते हैं, और इसी तरह अगर कोई फीमेल है वो मेल बनना चाहते हैं तो वो फीमेल से मेल बन सकते हैं। इसके अलावा अगर इम्प्रॉपर जेंडर है तो वो भी अपना इंटरजेंडर चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर दोनों में से जेंडर डिफाइंड नहीं है तब भी वो अपने आप को मेल जैसा या फीमेल जैसा बनाना चाहें तो वो भी हम जेंडर रीओरिएंटेशन सर्जरीज में ही काउंट करते हैं। सेंसिस के हिसाब से लगभग 25% यानी कि एक चौथाई हिस्सा हमारी जो पॉपुलेशन का है वो अपने नॉर्मल जेंडर के साथ एसोसिएट नहीं कर पाता। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर भगवान ने उन्हें मेल बनाया है तो उन्हें फीमेल होना चाहिए था, या अगर फीमेल बनाया है तो उन्हें मेल होना चाहिए था। इसी तरह अगर उनका जेंडर प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है तब भी वो इस सबसे मेंटली डिप्रेस रहते हैं और एक वो प्रॉपर जेंडर चाहते हैं। तो अगर जेंडर चेंज करना है तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले दो साइकेट्रिस्ट की ओपिनियन लेती होती है इंडिपेंडेंटली, ताकि वो साइको काउंसलिंग कर ये डिफाइन कर सके कि वाकई आपको ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और आपको इन डिजीजेस को आगे ठीक करवाने की जरूरत है। लगभग 6 महीने की काउंसलिंग के बाद अगर साइकेट्रिस्ट लिख कर देते हैं कि डिस्पाइट ऑल काउंसलिंग एंड ऑल ट्रीटमेंट पेशेंट्स को अब जरूरत है ये रीओरिएंटेशन करवाने की, तब आप एक प्लास्टिक सर्जन से मिलके इसे रीओरिएंटेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। जेंडर चेंज करने के कई सारे कंपोनेंट्स हैं। ऑपरेशन के अलावा इसमें हार्मोन थेरेपी का और काउंसलिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। तो सर्जन आपके सर्जरी से मेल जेंडर से फीमेल या फीमेल से मेल कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी बॉडी के स्ट्रक्चर और इंटरनल फंक्शन के जो हिस्से हैं उसे हार्मोन्स, जिसे कि कुछ दवाइयों के थ्रू हम देते हैं, वो टैबलेट्स होती हैं यूजुअली, और या किसी केस में इंजेक्शन भी हो सकते हैं, तो इससे धीरे धीरे आपके बॉडी के बाकी जो हिस्से हैं वो जेंडर चेंज होने लगेंगे। यानी कि अगर मेल से फीमेल बनाना है तो फीमेल हार्मोन्स दिए जाएंगे, और अगर फीमेल से मेल कन्वर्ट करना है तो मेल हार्मोन्स दिए जाएंगे। इन सबसे धीरे धीरे फेशियल एक्सप्रेशंस और आवाज़ और बॉडी के फीचर्स चेंज होने लगते हैं। मेल से फीमेल कन्वर्जन के लिए पेशेंट की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बॉडी का ऊपरी हिस्सा या वो निचली हिस्सा दोनों कन्वर्जन चाहते हैं या दोनों में से कोई एक चाहते हैं। आप पैरेलल भी करवा सकते हैं, दोनों को स्टेज वाइज भी करवा सकते हैं। सिर्फ इनके अलावा आप फेस के फीचर्स भी चेंज करवा सकते हैं, और डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे और आपके बजट पे कि आप किसको कितना आगे ले जाना चाहते हैं। इन ऑपरेशंस के दो कंपोनेंट्स हैं। फिजिकल कंपोनेंट के अलावा इसमें बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है, यानी कि ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल बीमारी ही है कि अगर आपको एक जेंडर से ओरिएंटेशन में सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप दूसरे जेंडर में कन्वर्ट होकर फिजिकल के साथ साथ इमोशनली भी बेटर फील कर सकते हैं। दुनिया भर में अभी LGBT राइट्स बहुत एक्टिवली परसू किए जा रहे हैं, और ज़्यादातर कंट्रीज में ये सर्जरीज अब लीगल हैं। आप डॉक्टर से मिलिए, अपने ऑप्शंस को अच्छे से वे कीजिए, उसमें क्या क्या लीगल लिमिटेशंस हैं उन्हें समझिए, और उसके बाद आप ये सर्जरी करवा कर एक पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू।